introducing my happy. तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हम एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फोन में काइन मास्टर एप्लीकेशन से, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे चले जाना और यहाँ पर देखिए 9:16 वाली जो रेशियो होगी इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट वाली जो टेम्पलेट होगी यहाँ पे लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग मिल जाएगी, इसमें चले जाना, एडिटिंग में जाना और यहाँ पर इसे फिल स्क्रीन कर देना। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मीडिया में चले जाना और यहाँ पर से देखिए आपको जिस भी किसी फोटोज़ का वीडियो बनाना होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको सबसे पहले तो सॉन्ग ऐड करना होगा। अगर आपके पास म्यूज़िक होगी तो यहाँ पर ऑडियो में जाकर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए किसी भी, अगर आपके पास म्यूज़िक नहीं है और आप किसी भी वीडियो में से ऑडियो रिमूव करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से जिस भी किसी वीडियो का आपको ऑडियो रिमूव करना है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बाजू में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो इस पर चले जाइए और यहाँ पर देखिए ये जो ऑडियो होगी वो रिमूव हो जाएगी इस वीडियो की। फिर इस तरीके से आपको जूम कर लेना है पहले तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो वीडियो थी मैंने यहाँ पर लाइट मोशन में बनाई थी वही सेम मैं यहाँ पर काइन मास्टर में ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर आपको बीट मार्क्स लगाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए जिस वीडियो में से हमने सॉन्ग ऑडियो रिमूव किया है उस वीडियो से ही आप बीट मार्क्स भी मार्क कर सकते हो। तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पर देखिए फर्स्ट फोटो शो हो रही है तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर देना और यहाँ पर जैसे ये सेकंड फ़ोटो स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर आकर आपको एक यहाँ पर मार्क कर देना है। तो उस हिसाब से आपको सभी जो बीट्स यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगी, इस हिसाब से आपको स्क्रॉल कर देना है। नेक्स्ट फ़ोटो स्टार्ट होने से पहले आपको एक बीट मार्क्स यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो मैं सभी जो बीट मार्क्स है वो यहाँ पर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सभी बीट मार्क्स थे वो यहाँ पर मैंने लगा दी हूँ। बीट मार्क्स लगाने के बाद यहाँ पर अभी जो हमने वीडियो ऐड किया था उसे यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर यहाँ पर बाजू वाली ऑप्शन में जाकर डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बीट मार्क के पास आ जाना, यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर देनी और यहाँ पर देखिए बाजू में सीजर वाली ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर चले जाना और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है। इसी तरीके से आपको बीट मार्क के पास आ जाना और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर सीजर में जाकर ट्रिम कर देना। तो मैं सभी जो फोटोज़ है उसे यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ बीट मार्क के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी फोटोज़ को मैंने बीट मार्क के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको फर्स्ट वाली फोटो पे क्लिक कर देना है, क्लिक ग्राफिक्स पे चले जाना और यहाँ पर देखिए जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगी इंक ब्रश वाली, तो इस पर चले जाना। इसमें जाने के बाद ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी वाली फोटो पर क्लिक कर देना है, क्लिक ग्राफिक्स पर चले जाना, यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक इफेक्ट मिल जाएगी और मैं डीजे वाली, इसमें यहाँ पे नीचे से फिफ्थ वाली इफेक्ट को लगा देना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फोटो पे क्लिक कर देनी, क्लिप ग्राफिक्स पे चले जाना और यहाँ पर से देखिए आपको इसमें ये जो देखिए योर कलर्स वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर एक वीडियो देख सकते हो कि हाँ टू ऐड क्लिप ग्राफिक्स, उसमें आपको ये वाली जो इफेक्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमने तीन अलग अलग इफेक्ट्स लगाए हैं और यहाँ पर 6 फोटोज़ है। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट फोटो में फिर से आपको यहाँ पर इंक ब्रश वाली इफेक्ट लगा देना है और जो दूसरी वाली फ़ोटो है इसमें यहाँ पर जाकर कॉल मी डीजे में से 6th वाली इफेक्ट लगा देनी है और लास्ट में योर कलर्स में, ठीक है। मैंने जो सभी इफेक्ट्स है वो लगा दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनके तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखा दूँ तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।